नमस्कार बच्चों। नमस्कार फूल कुमारी दीदी। देखो देखो दीदी, आज हम क्ले मॉडलिंग कर रहे हैं। ओहो, मतलब मिट्टी से शिल्पकारी। जरा मुझे भी तो दिखाओ तुमने क्या बनाया है। देखो दीदी, मैंने एक हाथी बनाया है। और दीदी मेरा देखो कितना अच्छा सा घोड़ा बनाया है। चेतक जितना विशाल और बलशाली है ये मेरा घोड़ा। अरे वाह, कितने अच्छे बने हैं दोनों। अब तुम लोगों ने इतनी अच्छी कलाकारी करी है तो क्यों ना आज मैं तुम्हें एक मूर्तिकार की ही कहानी सुनाऊं। मूर्तिकार की? यानी वो लोग जो बहुत ऊंची ऊंची और विशाल मूर्तियां बनाते हैं। हाँ, मूर्तिकार भिन्न भिन्न धातुओं का इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग आकार की मूर्तियां बनाते हैं। हमारी कहानी वाले मूर्तिकार को भी ऐसे ही अलग अलग प्रयोग करने का शौक था। एक दिन उसने एक ही मूर्ति को तीन अलग अलग धातुओं से बनाने की ठानी, अपने गांव के महाराज के लिए। उसने एक सोने की, एक चांदी की और एक लोहे की मूर्ति बनाई। तीनों एकदम एक जैसी दिखती थीं, फर्क था तो बस मूर्तियों के रंग का। सोने की मूर्ति थी जो सूरज जैसी चमकती, सुंदर सुनहरी, और चांदी वाली चंद्रमा जैसी चमकदार, एकदम सफेद झक। दीदी और लोहे की? लोहे की मूर्ति लोहे के रंग की थी, यानी काली। बस यही अंतर था। इसके अलावा मूर्तियों के आकार या बनावट में कोई अंतर न दिखता था। फिर अगले दिन सुबह सवेरे दरबार लगने के वक्त से ही पहले राजा से मिलने वालों की पंक्ति में सबसे आगे वो मूर्तिकार उन तीनों मूर्तियों को महाराज के दरबार में ले गया। कुछ समय बाद निश्चित समय पर दरबार खुला और राजा पधारे। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, जय हो महाराज की, जय हो जय हो महाराज की, जय हो। हमारे गांव का एक गरीब मूर्तिकार महाराज की खिदमत में अपनी बनाई कुछ आकृतियां पेश करना चाहता है। वह कह रहा है कि उसने इन मूर्तियों को जनता को कुछ सीख देने के लिए बनाया है। इजाजत हो तो मूर्तिकार को बुलाया जाए। इजाजत है। मूर्तिकार हाजिर हो। मूर्तिकार की तीन मूर्तियां लाल कपड़े में ढककर दरबार के बीचों बीच रख दी जाती हैं, और साथ ही पास में हाथ जोड़े खड़ा होता है वो मूर्तिकार। दरबार के बाहर खड़ी जनता की भीड़ बड़े कौतूहल से उन कपड़े से ढकी आकृतियों को देख उनके नीचे की कलाकृति के बारे में सोच रही और आपस में बातें कर रही थी। तभी मूर्तिकार ने मूर्तियों से कपड़ा हटाया। मूर्तियां सचमुच विशाल और एकदम एक जैसी दिखती थीं। सब लोग चुप हो गए और ध्यान से उसकी बातें सुनने लगे। मूर्तिकार बोला, महाराज की जय हो। आज मैं आपके सामने तीन बहुरूपिया मूर्तियां पेश करने जा रहा हूँ। एक हमारे राज्य की विशाल सोने की खानों में से निकले शत प्रतिशत शुद्ध सोने से बनी है। दूसरी चांद की तरह चमचमाती चांदी से शिल्प की गई है, और तीसरी साधारण लोहे से बनी है। अब मेरा एक छोटा सा सवाल है महाराज, जो भी मुझे तर्क सहित बता सके कि तीनों मूर्तियों में से सबसे मूल्यवान सबसे श्रेष्ठ मूर्ति कौन सी है तो मैं उसे वह सबसे मूल्यवान मूर्ति निशुल्क भेंट कर दूंगा। मैं आपसे विनती करूंगा कि आप अपने यहाँ मौजूद सभी दरबारियों, सैनिकों और जनता को इस प्रश्न का सही उत्तर देने की अनुमति दें। लेकिन फूलकुमारी दीदी, ये तो कुछ ज्यादा ही आसान प्रश्न नहीं हो गया? सबसे मूल्यवान मूर्ति तो सोने की होने वाली है, ये जवाब तो कोई भी बता सकता है। हाँ, राजा के मंत्रियों को भी यही लगा था। ऊपर से इतनी बड़ी शुद्ध सोने की मूर्ति जीतने की होड़ में मंत्री, सिपाही, दरबारी, जनता सब बेकाबू हो गए। सोने की, सोने की, सोने की चिल्लाने लगे। तो दीदी, अब जब सब एक ही उत्तर दे रहे हैं तो भला निर्णय कैसे होगा कि जीतेगा कौन? सभी का उत्तर तो सही है ना? आगे सुनो। दरबार का शोर सुनकर राजा बोले,
सभी शांत हों। ये कौन सा नया खेल खेल रहे हो मूर्तिकार? सबसे मूल्यवान मूर्ति तो सोने वाली ही है ना, क्योंकि वो सबसे महंगी और देखने में भी सबसे सुंदर है। इस पर मूर्तिकार बोला, क्षमा करें महाराज, यह उत्तर सही नहीं है। मैं विनती करता हूँ कि आप सबको एक मौका और दें, और अगर कोई अपना उत्तर बदलना चाहे तो आगे आए। इस पर सभी मौन हो गए। दरबार में पूरा सन्नाटा छा गया। कुछ लोगों को तो लगा कि मूर्तिकार पगला गया है, फालतू राजा का समय नष्ट कर रहा है, और अब राजा जरूर उसको इस बात की सजा देंगे। भला लोहा या चांदी सोने से ज्यादा मूल्यवान कैसे हो सकता है? उस दिन राजा के दरबार में राजा के प्रमुख रसोइये का पुत्र राघव भी आया हुआ था, और मूर्तिकार की ये विचित्र पहेली के बारे में वह भी सुन रहा था। कुछ सोचने के बाद भीड़ से निकलकर यह बच्चा सामने आया और बोला, महाराज की जय हो, अगर आपकी आज्ञा हो तो एक बार मैं इस पहेली को बुझाने का प्रयास करना चाहूंगा। इस पर राजा ने राघव को प्रयास करने की अनुमति दे दी। अब राघव मूर्तियों के पास गया और तीनों मूर्तियों का अंग अंग गौर से परखने लगा। ऊपर से नीचे तक तीनों मूर्तियां बिल्कुल एक जैसी थीं। बस उसे कान में कुछ हल्का सा फर्क मालूम हुआ। बालक ने कुछ क्षण सोचा, फिर उसने जमीन से एक तिनका उठाकर सोने की मूर्ति के कान में डाल दिया। पर यह क्या, वो तिनका तो आर पार होकर दूसरे कान से निकल गया। फिर उसने गिरे हुए तिनके को उठाकर अब की बार चांदी की मूर्ति के कान में डाला, और क्या पाया, इस बार तिनका कान से घुसकर मूर्ति के मुंह से बाहर निकल पड़ा। उसने फिर तिनका उठाया और आखिरी बची यानी लोहे की मूर्ति के कान में उसने फिर से तिनका डाला, तो पता है क्या हुआ? क्या हुआ दीदी, अब तिनका कहां से निकला? अब वो तिनका मूर्ति के पेट में जा गिरा और वहीं रह गया, कहीं से बाहर ना आया। ओ, तो ये फर्क था तीनों मूर्तियों में। पर ठीक है, फर्क समझ आ गया, मगर इससे पहेली का उत्तर कैसे मिलेगा? मूल्यवान तो अभी भी सोना ही रहा ना दीदी? यही बात तो राजा ने भी शायद मन में सोची और राघव से पूछा, बालक, हम सब ने देखा कि मूर्तियों की कान की बनावट में फर्क है, परंतु तुम इससे क्या सिद्ध करना चाहते हो? तब राघव ने बताया, महाराज, दरबार का इतना समय लेने के लिए क्षमा, मगर अब मुझे श्रीमान मूर्तिकार जी द्वारा पूछी गई इस पहेली का उत्तर मिल गया है। मेरे अनुसार ये लोहे वाली मूर्ति ही सबसे मूल्यवान है। बस ये सुनते ही पूरे दरबार में खुसुर पुसुर शुरू। कुछ को लगा कि क्या मूर्ख बालक है, अब उत्तर सही हुआ तो भी इसे मिलेगी लोहे की मूर्ति, करेगा क्या इतनी बड़ी लोखंड की मूर्ति का। तभी दरबान बोला, दरबार में शांति बनाए रखें। राजा बोले, मूर्तिकार ने उत्तर को तर्क सहित समझाने की बात भी कही थी, बालक क्या तुम अपने उत्तर को तर्क संगत साबित कर सकते हो? जी महाराज, ये लोहे की मूर्ति ही सबसे अधिक मूल्यवान है, क्योंकि यह कान से बातों को सुनकर मन में धारण कर लेती है। चांदी की मूर्ति तो बातों को कान से सुनकर मुंह से सबको बता देती है, बात को गुप्त नहीं रख सकती, इसीलिए यह भी श्रेष्ठ नहीं है। और वहीं दूसरी ओर सोने की मूर्ति, जो एक कान से बात को सुनकर दूसरे कान से तुरंत निकाल देती है, इसलिए ये तो निकृष्ट है। ये तो बहुत ही पते की बात की राघव ने, फिर क्या हुआ दीदी? फिर मूर्तिकार बोला, महाराज, बालक का उत्तर एकदम सही है। मैं इन मूर्तियों द्वारा यही सीख जनता तक पहुंचाना चाहता था कि इन मूर्तियों की ही तरह इंसानों में भी उसी व्यक्ति का सबसे अधिक मूल्य होता है जो बात सुनकर अपने पेट में ही गुप्त रखता है और किसी को नहीं बताता। बात उसी को बताता है जिसे बतानी हो। चांदी की मूर्ति के समान सबको कहता नहीं फिरता, और ना ही सोने की मूर्त की तरह अनसुना करता है। और मेरी शर्त के अनुसार बालक ने लोहे की मूर्ति जीत ली है,
परंतु उसकी समझदारी के इनाम के रूप में मैं चाहूँगा कि वो इन तीनों मूर्तियों को ही सप्रेम भेंट मेरी ओर से स्वीकार करे। वाह, मतलब फिर तो तीनों बड़ी बड़ी विशाल मूर्तियाँ राघव को मिल गईं। हाँ, पर पता है राघव ने क्या कहा? वो बोला, महाराज मैं अभी बालक हूँ, पढ़ाई कर विद्या ग्रहण करना ही मेरा उद्देश्य है। मैं भला इन मूर्तियों का क्या करूँगा? पर क्योंकि ये मूर्तियाँ श्रीमान मूर्तिकार जी ने मुझे भेंट दी हैं, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि इन तीनों को हमारे गांव के चौराहे पर लगवा दिया जाए, ताकि इन्हें देख हम सभी गाँव वासियों को मूर्तिकार जी की सीख समय समय पर याद आती रहे। राजा बोले, बालक हम तुम्हारे सुझाव से प्रसन्न हुए, ऐसा ही होगा। साथ ही राजा ने मूर्तिकार और राघव के पिता को बड़ी धनराशि इनाम में देकर विदा किया। बस इतनी ही थी आज की कहानी। तो एक बार फिर आप बताओ कि आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली? हाँ दीदी, हमें इससे यह शिक्षा मिली कि कोई जब हमसे कुछ कहता है तो उसकी बात को हमें ध्यान से सुनना चाहिए। ये नहीं कि एक से सुन दूसरे कान से निकाल दो, और ये भी नहीं कि सुनकर किसी को भी बताते फिरो। बात उसी को बतानी है जिसके लिए वो बनी है, तब तक उसे गुप्त रखना चाहिए, जैसे कि लोहे की मूर्ति करती है ना दीदी? बिल्कुल ठीक। इतनी अच्छी कहानी सुनाने के लिए धन्यवाद दीदी। क्यों ना हम भी अब अपनी मिट्टी से मूर्तिकार की तरह बेहतरीन मूर्तियाँ बनाए, बात पेट में रखने वाली। हाँ, बिल्कुल बनाओ, और अपनी फूलकुमारी दीदी को दो विदा। अगले हफ्ते फिर मिलूंगी नई कहानी के साथ।